हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फातिमा, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग बाय डॉक्टर फातिमा। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं और मुझे बताने में भी बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू वीडियो। मैं आपके साथ रेडिश यानी मूली की वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। और आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले अपने गार्डन में और पॉट में आपको जो सीड्स थे मूली के, वो लगाकर दिखाया था। तो मैंने, क्योंकि हमारा गार्डन है तो हम गार्डन में सीड्स ग्रो कर लेते हैं, और मूली का आपने अगर हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि मैंने 2 से 3 वीडियो आप लोग के साथ शेयर किए हैं और उसमें फुल इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो मैं आज आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली हूँ। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके किसी भी कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूंगी इंशाल्लाह, और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसे भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि हमने सारे जो बहुत ढेर सारे सीड्स थे, तो मैं आपको दिखाया था शायद आपको कि मैंने पॉट में साग पिछली साल भी हमने ग्रो किया था, और इस साल भी हमने पॉट में साग के लिए ये सीड्स डाले थे, तो जो कि ग्रो हो गया अच्छे से। आप देख सकते हैं कितना अच्छा जर्मिनेशन रेट आया है माशाल्लाह से। और हमारा जो, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने गार्डन से भी हम साग के लिए मूली हार्वेस्ट करते हैं, साग उसके पत्ते हार्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये पॉट में हम 2 से 3 पॉट जो होते हैं, हम अक्सर उसमें ढेर सारे सीड्स एक साथ डाल देते हैं और उन्हें ग्रो कर लेते हैं, तो जिससे कि मूली का साग, इसमें छोटी छोटी मूली पड़ती हैं और साग हमारे लिए बहुत अच्छा तैयार हो जाता है, क्योंकि मूली के साग में मूली के पत्ते की सब्ज़ी बनती है और पतले पतले से मूली होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अक्सर इसमें इन पॉट्स में अपने लिए साग ग्रो कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने 2 से 3 यहाँ जो गमले हैं वो लिए हुए हैं। एक ये हो गया हमारा, एक पॉट हमारा ये हो गया है, और चलिए एक और दिखा देते हैं आपको हम। तो एक पॉट हमारा ये है, तो हमने 3 पॉट में फ्रेंड्स मूली का साग ग्रो करके रखा है, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो हम इसको हार्वेस्ट करेंगे और अपने किचन में इसको बनाएंगे। तो चलिए अब क्या करना है फ्रेंड, देखिए मूली की देखरेख कैसे करनी है। आपने देखा होगा, ये देखिए, शायद आप देख पा रहे होंगे कि जर्मिनेशन रेट तो माशाल्लाह ठीक रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ ये घास हो गई है। फ्रेंड, किसी भी प्लांट के आसपास आप जो घास रहती है उसे ना रहने दें, उसको ख़त्म कर दें, उसको तोड़कर फेंक दें, क्योंकि जो हमारे प्लांट्स की न्यूट्रिशन वैल्यू होती है मिट्टी की, जो हमारे प्लांट्स के लिए होती है, वो सारी न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो ये जो घास होती है वो अपने अंदर, मतलब एक तरीके से पूरा न्यूट्रिशन खींच लेते हैं, तो हमारे प्लांट्स को कम न्यूट्रिशन मिल पाता है, जिससे हमारे प्लांट जो हैं हेल्दी नहीं हो पाते हैं। तो हमें जब भी मूली निकल आए या कोई भी प्लांट निकल आए तो आसपास की घास को इस तरीके से तोड़ देना है, इन्हें हटा देना है, घास वगैरह बिल्कुल ना रह पाए। और अभी इनको हम कोई खाद नहीं दे रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि पॉटिंग में जब तैयार करते तो ऑलरेडी काफ़ी खाद पड़ी हुई होती है, तो अभी कम से कम हम इस हफ्ते इसमें खाद नहीं देने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ से हम इसमें खाद वगैरह देना शुरू करेंगे। तो चलिए और बाकी के जो पॉट हैं उनकी भी घास जो है वो अलग कर लेते हैं, तोड़ देते हैं। और देख सकते हैं आप, बारिश हुई हुई है, कितनी अच्छी बूंदें, कितना अच्छा लग रहा है देखने में हमारा साग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पॉट में भी ये घास आई हुई है, तो सिंपली आपको इन घासों को तोड़कर फेंक देना है, क्योंकि ये घास जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं और सारी न्यूट्रिशन वैल्यू ये ले लेंगी, तो हमें, हमारे प्लांट को क्या मिलेगा फ्रेंड्स, और अगर हमारे प्लांट्स को नहीं मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि इन्हें हमें अलग कर देना है तोड़ करके। ये देखिए, इस तरीके से सारे ही घास तोड़कर अलग कर दें। तो बाकी का भी जो इसमें रह गया हो फ्रेंड,
आपके यहाँ पॉट वगैरह में, तो उनको भी इसी तरीके से अलग कर देना है सिंपली। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे प्लांट जो हैं वो हेल्दी रहेंगे, साग हमारा बहुत अच्छे से हेल्दी साग बनकर तैयार होगा। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, घर की सब्ज़ी की बात अलग होती है। अगर आप अपने घर में भी किचन गार्डन आपने बना रखा है और सब्ज़ियाँ खुद से ही उगाते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, और तो आप जानते होंगे कि कितनी ज़्यादा टेस्टी होती हैं। और खाने से ज़्यादा फ्रेंड्स, इनको तोड़ने में, इनको हार्वेस्ट करने में, इनको बढ़ते देखने में जो खुशी होती है वो अमेजिंग होती है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो बस इसी तरीके से ढूंढ ढूंढ कर हमें घास वगैरह तोड़ लेनी है और साफ़ सुथरा हमें पॉट कर देना है। ये देखिए, आप रिज़ल्ट तो देख ही रहे हैं फ्रेंड, कितना अच्छा आया है माशाल्लाह से। तो अभी तक शायद मैंने इसका वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया था, तो इसलिए आज मैंने आपके साथ सोचा कि इसको शेयर कर देते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि हमने जो मूली के सीड्स डाले थे उसका जर्मिनेशन रेट क्या रहा। तो बस फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, सिंपल सा, कोई ज़्यादा ख़ास वीडियो नहीं था फ्रेंड्स, लेकिन आपको दिखाना भी ज़रूरी था, क्योंकि मैंने आपको जब सीड्स ग्रो किए थे तो बोला था कि जैसे जैसे ये ग्रो करेंगे हम आपके साथ इनका वीडियो शेयर करते रहेंगे। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारे मूली का साग, इसका जर्मिनेशन रेट, सीड्स का, मूली के सीड्स का आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मूली के साग के बारे में, मूली के प्लांट के बारे में, अगर आप, मैं वापस से कह रही हूँ, अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं वैसे तो मैं लिंक जो है अपने पिछले वीडियो का इस डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी, तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। और पौधों के लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है, इसका भी आप वीडियो हमारे पार्ट वन में जाके देख सकते हैं, मैंने डाल रखा है। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नेक्स्ट प्लांट के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, अपने अपनों का, कीप गार्डनिंग।